Dear all, wish you happy new year in our first video of this year. इस वीडियो के मैं दो पार्ट में करूंगा, दो दो तीन तीन मिनट लूंगा आपके. आपको कुछ फैक्ट्स के ऊपर जानकारी देनी है. आपको मालूम है कि 31 तारीख शाम, मतलब 1 तारीख से पूरी सोसाइटी को फैसिलिटी मैनेजमेंट हमने ले लिया और उसकी प्रक्रिया 18 नवंबर को ऋतु महेश्वरी जी सीईओ साहब के ऑर्डर से शुरू हुई थी. बीच में पहले सिक्योरिटी ली, फिर अब हमने 31 तारीख को फैसिलिटी भी ली है. छोटे 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 ऑर्डर बार बार मिलते रहे हमें. तो जो 31 तारीख को हमने डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया था फैसिलिटी हैंडओवर के लिए, उसमें अफवाह उड़ाई गई या र्यूमर फैलाई गई और झूठ बोला गया. सबको मालूम है नॉन बंदे कौन है, वो लगातार हर चीज से झूठ बोलते हैं. उसमें बोला गया कि हमने सोसाइटी के हैंडओवर से कंप्रोमाइज कर लिया, जबकि वो सिर्फ पेपर रिसीव किए गए थे और फैसिलिटी टेक ओवर की गई थी. अगर आप उन 7-8 पेजों में जो लास्ट में लिखा था, जिसमें मेरे सिग्नेचर हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि रिसीव फोटोकॉपीज ऑफ द मैप्स डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल एंड दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन. फिर उसमें अगली लाइन लिखी थी कि फैसिलिटी सिक्योरिटी एटसेट्रा ऑफ कॉमन एरियाज इज टेकन एंड ऑल लाइबिलिटीज बिफोर 31st December लाई विद द प्रमोटर. अब इसमें क्या गलत लिखा था सबको मालूम है, लेकिन फिर भी प्रोपोगेट किया गया. अब उसी क्रम में वो डॉक्यूमेंट हम धीरे 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 पढ़ रहे हैं और 5 तारीख को हमने उस डॉक्यूमेंट जो हमें रिसीव कराए थे उनके ऊपर हमने अपना एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नोएडा 30 में 5 तारीख को सबमिट किया. वी टुक अराउंड 4-5 डेज टू स्टडी, प्रिलिमिनरी स्टडी की उसकी हमने. नोएडा 30 ने कल हमें फिर एक ऑर्डर दे दिया. ध्यान से पढ़ लीजिए, मैं अभी फेसबुक पे डालूंगा. अभी इसमें क्लियर लिखा हुआ है, फिर से दोबारा बुलाया बिल्डर को कि सचिव अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 5-1 के क्रम में आईएफएमएस के धनराशि के संबंध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 12-1 को 11:30 बजे फिर बुलाया गया बिल्डर को. तो IFMS और सिंकिंग फंड इज वन पार्ट, एओ इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज अपॉन एंड रेस्ट ऑफ द गैप्स एज वेल. लेकिन लगातार अब आपको मैं एक थोड़ा सा घटनाक्रम बताता हूं कि जैसे ही दिसंबर में ये प्रक्रिया फास्ट हुई, हर तीसरे दिन चौथे दिन हमारे को हैंडओवर से रिलेटेड छोटे छोटे पूरे रिलीफ मिलने लगे, तो 20 तारीख तक जाते आते एकदम से सोसाइटी को बॉयल पे लाया गया. लोग वही हैं, मैंने पहले भी बताया, आई मे साउंड रिपीटेटिव, कि कुछ लोग 2-4-5 लोग हैं वो मोबिलाइज करते हैं और कुछ इनोसेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं. ये मैं पहले भी बोल चुका हूं. तो ये इस ऑर्डर में आप देखिए कि हमारा फॉलोअप लगातार चालू है. जो बिल्डर 3 साल से लगातार यहां से कैंप इकट्ठी कर रहा था और हैंडओवर देने के किसी भी मन में नहीं था, आज अगर दिसंबर तक आते आते हमने उससे फैसिलिटी टेक ओवर कर ली है, तो वी हैव मूव्ड 1 स्टेप अहेड. बाकी के सब भी पूरी होंगी, डोंट वरी. अब ये आपको मैंने ऑर्डर दिखा दिया. अब उसी क्रम में जो 20 तारीख को धरना प्रदर्शन ये किया, उसमें फिर से 2-4-5 लोग आई लीडर बन के निकले हैं. नवीन नाथ जी आई लीडर बन के निकले हैं, विपिन डोंडियाल जी. जब बिल्डर से हमारी लड़ाई चल रही थी, इनका जीरो क्या नेगेटिव रोल है, नेगेटिव जीरो योगदान तो होता है ना कि कोई बंदा, चलो भाई कोई आदमी लड़ाई कर रहा है, हम उसके साथ नहीं खड़े तो चुप रहे. इनका तो नेगेटिव रोल है. अगर 20 तारीख को जो 20 दिसंबर को हुआ, उसके बाद 31 दिसंबर तक अगर नोएडा अथॉरिटी
दो दो आईएएस इन्वॉल्व हैं हमारे इस हैंडओवर के ऑर्डर में। अगर नोएडा अथॉरिटी उससे कैरिड अवे हो जाती तो किसको हैंडओवर रुकता तो किसको फायदा था? बिल्डर को। लेकिन पूरी नोएडा अथॉरिटी खासतौर पर अब की सरकारों में ये समझ रहे हैं कि ये हैंडओवर और बिल्डर से चंगुल छुड़ाना कितना जरूरी है रेजिडेंट्स का। अब कल रात को फिर से वही इलेक्शन ये सब चल रहा है, जबकि नोएडा अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि हैंडओवर, हैंडओवर का मतलब फैसिलिटी नहीं होता, कंप्लीट हैंडओवर होता है और जिसमें आईएफएमएस भी इन्वॉल्व है, गैप्स भी इन्वॉल्व हैं। जब उन्होंने लिख दिया कि हैंडओवर की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होती है इलेक्शन करवाए गए, कुछ सोच के ही लिखा है, क्योंकि एक बॉडी जो लगातार स्ट्रगल कर रही है, फाइट कर रही है, टूथ एंड नेल फाइट कर रही है, अगर उसको इस समय डिरेल कर दिया जाए, डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, तो सबसे बड़ी एडवांटेज इस सोसाइटी के 2633 फ्लैट ओनर्स को ना होके बिल्डर को होती। सब समझदार है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विपिन डोंडियाल जी जो है इस मुहिम में आज एक लीड भूमिका बना रहे हैं। वो कह रहे हैं ट्रेटर्स। अब मैं उनको ट्रेटर बताना चाहता हूं कि ट्रेटर होता क्या असल में। वो ईमेल में ना बहुत लिखते हैं कि ट्रेटर्स, ट्रेटर वो होता है जो एओए के साथ जुड़ के लगातार 2 साल एओए के साथ 2.5 साल जुड़े रहे, और जब एओए ने उनके कार वॉशिंग बिजनेस को करने के लिए कॉमन स्पेस 2633 रेजिडेंट्स का कॉमन स्पेस यूज नहीं करने दिया, एओए पर्टिकुलरली मी एंड संदीप चौहान जी पुट देयर स्ट्रांग फुट कि नहीं, ये कॉमन स्पेस 2633 लोगों का है, एक इंडिविजुअल को चोरी छिपे नहीं दिया जा सकता। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग पहुंची है जिसमें विपिन डोंडियाल जी लगातार 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में ये फोर्स कर रहे हैं, इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे को वो कॉमन एरिया का स्पेस दिलवाया जाए -1 में या -2 में कहीं पे भी, और एओ को 5,000 रुपए दिलवा दिए जाएंगे किराए के, उनको क्या लेना देना। लेकिन इन 2 ऑडियो के बाद जब 8 दिन के बाद वो हमारे से मिलने आए, क्लियर मना कर दिया कि वी आर कस्टोडियन ऑफ 2633 फ्लैट्स के कॉमन एरियाज के, वी विल नेवर डिच दोज रेजिडेंट्स। तो विपिन डोंडियाल जी जवाब दें कि जब आप कॉमन स्पेस के ऊपर पर्सनल गेन के लिए डाका डालने वाले थे तो किसके साथ ट्रेड कर रहे थे आप? Who was the traitor? जवाब देना भारी पड़ जाएगा विपिन जी। ऐसे ही नवीन नाथ जी बहुत बड़े काउंसल हैं, बहुत बड़े वकील हैं, जितनी हमारी खिलाफत करते हैं उसकी अगर 1% भी अगर बिल्डर के खिलाफ बोले होते, कोई कार्रवाई की होती, कोई मूवमेंट चलाई होती, तो ये हैंडओवर ना 1.5 साल पहले हो गया होता। एओ को भूख हड़ताल पे ना बैठना पड़ता, एओ को लगातार इंटरनल स्ट्रगल ना करनी पड़ती, हम सिर्फ बिल्डर के खिलाफ लड़ रहे होते। सारे रेजिडेंट समझदार हैं। अब कल रात को जो कुछ भी हुआ, मेरे को बहुत खुशी हुई कि 10,000 लोगों में से सब ने हम पे विश्वास रखा, 30-35-40 लोगों को छोड़ के। मैं ये नहीं कहता वी डोंट केयर अबाउट दोस 30-40 आल्सो, बट आई कैन डेफिनेटली से आई डोंट केयर अबाउट दोस 3-4-5। सब रेजिडेंट समझदार हैं। पिछले 1 महीने के 1.5 महीने के घटनाक्रम में सबको समझ में आ गया है कि कौन ट्रेटर है, कौन बिल्डर के लिए ऐसे काम करता है जिससे डायरेक्ट बिल्डर को इनडायरेक्ट फायदा हो। मैं जल्दी ही आपको अकाउंट शेयर कर रहा हूं, तैयार हो गए हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये अकाउंट कोई फज करके नहीं बनाए जा रहे। क्यों नहीं बनाया जा रहा उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि हमारी मंथली रिटर्न जीएसटी की जो हर क्वार्टर में फाइल होती है वो अप टू डेट फाइल्ड है, सिर्फ अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अब फाइल होनी है। हम इतने अपडेटेड हैं कि हमारी सितंबर तक की जीएसटी रिटर्न फाइल है। अगर जीएसटी रिटर्न फाइल है इसका मतलब यह है कि हम अब उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते अपनी स्टेटमेंट्स में। तो जैसे रेजिडेंट्स ने इन नकारावादी नेगेटिव सोच वाले बंदों को नकारा है ना,
उससे सोसाइटी मजबूत होगी, एओए मजबूत होगी, और एओए मजबूत होने का मतलब है सोसाइटी मजबूत होगी। एओए एक इंस्टीट्यूशन है, मैं बार बार ये बोलता हूं, मैं आज हूं कल नहीं होंगे हम लोग, लेकिन जब तक हम एक ऑब्जेक्टिव के अंदर काम कर रहे थे, कर रहे हैं कि हैंडओवर हो जाए किसी तरीके से, उसके बाद इलेक्शन भी होगा, सब कुछ होगा और डेमोक्रेटिकली ही होगा सब कुछ। पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है, लेकिन ये मिसगाइड करते हैं आपको, खुद जगह जगह कंप्लेंट कराते हैं, करते हैं, डीरेल करते हैं और फिर कहते हैं कि एक बात बताइए आप सब लोग, कोर्ट्स, पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एओएस को, एओए के कास्ट को? और ये हमारे यहां नहीं हो रहा, आसपास की बहुत सारी सोसाइटीज में हो रहा है कि सारी की सारी एओएस को सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें सबको मालूम है कि पिछली सरकारों में बिल्डरों ने कितनी बदमाशी मचा रखी थी। पूरी नोएडा अथॉरिटी आज ये बोलती है कि वी डोंट हैव एनी सिंपथी फॉर द बिल्डर्स। अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि आपकी मार्ट से जब से हमने कंट्रोल लिया है, जब से मैं चीजों को हम पकड़ने लगे हैं, मैं खासतौर पर इस पर मेहनत कर रहा हूं, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो पूरी सोसाइटी पे कर रही है और आपके ऊपर एरिया निकाल रखे हैं बिल्डर ने, मार्ट से आज तक नहीं लिया गया। 2 से 2.5 लाख रुपए कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी है मार्ट की, जो ऑलमोस्ट हम पे कर रहे हैं। अब जब मार्ट के ऊपर कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीके से लेके मैंने उनसे चार्ज शुरू किया, उनको नोटिस दिया कि आपको कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी 103 रुपए पर शॉप देनी पड़ेगी, तो फिर से विरोध शुरू हो गया मार्ट में। और उनको लीडर कौन है? वही लीडर है जो सोसाइटी में हमारा विरोध करते हैं। तो पहले तो वो अपना स्टैंड क्लियर करें, जो सोसाइटी के अपने अपने आप को नंबरदार बनते हैं, कि वो सोसाइटी के हित में सोचते हैं कि आउटसाइडर फोर्सेस के हित में सोचते हैं। आज वो उन लोगों के साथ खड़े हो गए जो कि सोसाइटी की कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी को दे नहीं रहे, उसका सारा बोझ हमारे ऊपर डला हुआ है, वही लोग हैं, आप समझिए। और मेरे को मालूम है सब समझदार हैं, पूरी सोसाइटी समझदार है, 2-4-5 बंदे तो मैं मान सकता हूं। थैंक यू।